रोहित शर्मा के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का कप्तान, इस दिग्गज ने बताया नाम। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को भारत की कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा बतौर कप्तान सफल नहीं हो पाए। वनडे विश्व कप के बाद भारत की कप्तानी में बदलाव हो सकता है। वैसे मौजूदा समय में रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे के तहत ही कप्तान है। पिछले कुछ सीरीज से हार्दिक पांड्या को T20 की कप्तानी सौंपी जा रही है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी हार्दिक पांड्या को कमान सौंपी गई है। इन सब बातों के बीच दिग्गज आकाश चोपड़ा को लगता है कि पांड्या, जिन्हें T20 विश्व कप के बाद कप्तानी सौंपी गई थी, ऐसा लगता है कि अब यह अंतिम फैसला है कि हार्दिक पांड्या आने वाले वक्त में, यानी आगामी विश्व कप तक, भारतीय T20 टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज को T20 टीम में अब मौका नहीं दिया जा रहा है। पिछले T20 विश्व कप के बाद ये खिलाड़ी बाहर हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा, मुझे लगता है कि वे पहले ही उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और यह अभी भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।